गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 334.89 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड। ओके, द एरिया इज गिवन ऑफ द स्क्वायर फील्ड व्हिच इज 334.89 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड। ओके, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज जस्ट साइड स्क्वायर। ओके, नाउ हियर गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 334.89 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, दिस इज द फार्मूला। Now here given that area of square is 334.89 meter, find the side, then side square equal to 334.89. Now side is equal to under root 334.89, find the square root of 334.89. Pairing 1 1 1 1 2 3 4 1 plus 1 2। अब यहां हमें डिवाइड करना है 234 को, देखते हैं कितने टाइम जाएगा ये, सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लिखते हैं 8, देखते हैं क्या 8 टाइम जाएगा। 28 into 8 8 8 जो 64 और 6 कैरी होगा, 8 हो जाए 16, 16 प्लस 6 24, देखते हैं ये 8 टाइम जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ये आएगा 224। सबट्रैक्ट करेंगे, 4 से 4 माइनस करेंगे, 0 आएगा 1, लास्ट में जो पेयर आपका 89 है ये लिख लिया जाएगा। ठीक है, बाकी इधर आपका कैंसिल होगा। अब यहाँ 8 है तो 8 ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 8 16, 36 हो गया। अब देखते हैं कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा ये, 3 3 9 6 3 18 3 3 9 1 10, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका, साइड इज इक्वल टू 18.3 मीटर, ये आ गई साइड इसकी। ओके, नोट कर लीजिए, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करवाएंगे। कैसे अरेंज कर दें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 306 whole 1 upon 4 meter square, find the length of
वन साइड ऑफ द फील्ड, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहां आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 3614 4 मीटर। देखते हैं इधर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 306.414 मीटर स्क्वायर। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जो 24 6 3 4 3 जो 12, ऐड करेंगे 1, ये हो जाएगा 1225/4। ये है स्क्वायर फील्ड की एरिया। अब क्या करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 1225/4। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा 1225/4। इस स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 1225। पेयर बनाएंगे ऐसे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 आएगा 25, 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा 35 हो गया। नीचे कितना आएगा, 35/2 आ गया, साइड आ गई 35/2। अब क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, 4 into साइड। अब ये हो जाएगा 4, साइड कितनी आई है 35/2, 2 1 2 2 2 4, ये हो गया 2 into 35, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 2 70 70 मीटर, ये आंसर हो गया। इमेज इज नॉट क्लियर, व्हाई? प्लीज वेट बिकॉज यू आर नेटवर्किंग प्रॉब्लम, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ क्लियर इमेज। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, क्या रीच कर दें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लीस्ट नंबर
which must be subtracted from 4, 5, 1, 5, 6 so as to make it a perfect square. ओके देखते हैं. फाइंड द लीस्ट नंबर विच वी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 45,156 सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. बेटा आपको बताना है इस नंबर से हम कितना माइनस करें कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा. 4, 5, 1, 5, 6 पेयर बनाएंगे यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ये 2, 2 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 2 ऐड करेंगे यहाँ पर 4 आएगा, पूरा पेयर आएगा 51 का. ये वन टाइम जाएगा आपका 41, 0, 1. अब आपका पूरा पेयर 56 का आएगा यहाँ पर, 1 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 42. अब देखते हैं सॉल्व करने कितने टाइम जाएगा ये. टू टाइम जाएगा ये, तो हो जाएगा 2, 2 जा 4, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8. सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 से 4 माइनस करेंगे 212 आएगा. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ तो इतना बस जा रहा है, कितना आया है ये 212 आया है. अब 212 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो आपका 45,156 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो उसी का हमें स्क्वायर करना होगा. चलिए देखते हैं स्क्वायर करते हैं. लिखते हैं स्क्वायर ऑफ, अब यहां देख रहे हैं 212 आया है, तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं 213 स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ 213. 213 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 213 into 213. तो स्क्वायर करने पे देखते हैं कितना आएगा, 213, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 1 1 1, 1 2 2, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 9, 6, 13, 5 4, 45 ये आ रहा है. अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. नाउ द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, देखिए अभी मैंने यहां पर स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये आपका 212 बच जा रहा है, और ये कितना आ रहा है यहाँ पर 212 आ रहा है. ठीक है, अब ये 212 आ रहा है इसी में एक ऐड कर देंगे तो 213, तो 213 का स्क्वायर करेंगे तो 45,369 आएगा. आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर 45,156 दिया है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 45,369. ये जो 213 का स्क्वायर आया है और यहाँ जो नंबर गिवन है क्वेश्चन में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 45,156. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आता है. 9 से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा. 6 से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर आपका 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा. ठीक है, तो कितना आया है 213, यही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा. नोट कर लीजिए अगर दिख रहा है तो.
यहाँ ऐसे देख लीजिएगा, लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो हम क्या करेंगे 212 ही माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक मिनट थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इतना लंदी मत करना आप लोग, एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, नोट मत करना। यहाँ पर देखिए नाउ, सीधा सीधा माइनस कर देना, इतना लंदी नहीं करना पड़ेगा। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, जितना बच रहा है वही आंसर आएगा, 212 लिख दीजिएगा, ये आंसर कर दीजिएगा। अगर इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, यही आंसर करिएगा, उतना मत लंबा नहीं करना, यही आएगा आंसर 212 ही, उसको नहीं करना है, 212 ही आंसर आएगा। अगर हम 212 को 45,156 से माइनस करेंगे, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रहेगा, इतना ही सॉल्व करना, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मंडे को, बाकी